नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चंद्र रेगर जयपुर सिटी, जयपुर जंक्शन, जयपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान में बतौर कुली भर्ती हुआ। मेरा डिवीजन जयपुर और मैं उत्तर पश्चिम रेलवे। 2008 में अखबार में एक विज्ञापन द्वारा भर्ती हुआ, जिसमें रेलवे ने कुलियों की भर्ती की। जो मांग की थी उसमें मैं फार्म भरा, फिजिकल टेस्ट दिया, मेडिकल टेस्ट हुआ और बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स पे उनकी स्क्रीनिंग जांच हुई। उसके बाद हमें 2008 में रेलवे में लाइसेंस पोर्टर कुली रेलवे सहायक कुली का बैच नंबर दिया गया और हमें जैसे हम कुली का काम करते गए स्टेशन पर, वैसे वैसे ही सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम प्रकार के उपकरण मजबूत करवाए, उपलब्ध करवाए। रेलवे कुली का काम जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरीके से हमें जो रेलवे में भर्ती, जो हमें रेलवे ने भर्ती की, उसमें 16 मीटर दौड़ 6 मिनट में एवं 40 किलो वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना मात्र 1 मिनट के अंदर। उसके बाद हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ और हमसे चरित्र प्रमाण पत्र भी एसपी ऑफिस के द्वारा मांगा गया। ये सारी तरह की प्रक्रियाएं जो हमने दी, उसके बाद हमें बिल्ला मिला और रेलवे स्टेशन पर कार्य करने का अनुमति बतौर लाइसेंस के रूप में मिली। लेकिन आज स्टेशनों पर काम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बच्चे तथा हम भूखे, हमारे बच्चे तथा हम इस लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं। हमारी सार और सहायता लेने वाला कोई नहीं है। हमें किसी से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। हमने बहुत रैलियां, धरने, प्रदर्शन किए, सरकारों को कई तरह से अवगत करवाया, लेकिन हमारी आज दिन तक किसी ने सुनाई नहीं की और हमें आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला है। हम सरकार से यह निवेदन करते हैं कि जैसे लॉकडाउन में ट्रेनें बंद हैं और ट्रेनें बंद होने के कारण हमारा जो मेन मुख्य रोजगार है, रोजी रोटी ही रोजगार है, वह बंद है और हमारी इनकम, आय का स्रोत भी बंद है। और जो हमारी आय जो ट्रेनों से होती थी वह भी एकदम बंद है। जैसा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए लोगों को बेनिफिट फायदा दिया, वैसे ही रेलवे कुली, जिनकी पूरे भारत में गिनती मात्र लगभग 20 से 21 हजार है, उसने रेलवे कुली और भारत सरकार भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय ने कुछ भी नहीं दिया है। 1 रुपए की भी सहायता रेलवे कुलियों को नहीं दी गई है। और इन 70 दिनों में हमने अपना जो जीवन गुजारा है, जो जीवन यापन किया है, वो कर्जा लेकर के किया है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा मैंने 40 हजार रुपये कर्जा लेकर के अपने घर का खर्चा चलाया, बिजली के बिल चुकाए, दूध का पैसा दिया, पानी का बिल दिया, बच्चों की फीस दी, उसके बाद भी हमारी देनदारियां पूरी नहीं हो रही है। ये सब हमने कर्जा लेकर के, उधार लेकर के किया और हमारे और हमारे बच्चे भूखों मरने के लिए और हम भूखों मरने के लिए अभी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमने आपको बहुत सारे निवेदन किए, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी आपको सूचित किया और हमारे द्वारा समय समय पर पत्रों के द्वारा आपको सूचित किया गया।
हमारी लॉकडाउन के दौरान जो दुर्दशा हुई है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप भारत सरकार और रेल मंत्रालय हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारा ध्यान रखें और हमें जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाने की कृपा करें ताकि हम भी इस संसार में सम्मान की ज़िंदगी जी सकें और हमारे बच्चों को भी दो वक्त का खाना पेट भर कर खा सकें। इसलिए मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द हमें आर्थिक सहायता प्रदान करें। साथ ही कुलियों की जो लंबे समय से मांग है रेलवे के अंदर ग्रुप डी की, वो जल्द से जल्द पूरी करवाएं। जय हिंद, जय भारत।